शहरघाट थाना क्षेत्र के बैंगरा में स्टेट हाईवे पर सड़क दुर्घटना में घायल अधेड़ व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान हो गया। दरअसल बुधवार को शहरघाट के बैंगरा के निकट पाली के गणेश यादव को ठोकर लग गई। बताया जा रहा है कि गणेश यादव को ठोकर दूध वाहन से लगी थी। गणेश यादव की स्थिति गंभीर होने के कारण दरभंगा में इलाज चल रहा था, जहां गुरुवार को गणेश यादव की मौत हो गई। इधर गुरुवार को दूध वाहन पाली से गुजर रहा था, जिसे स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, जिसके बाद दूध मालिक एक अन्य बोलेरो से पाली गया। बावजूद ग्रामीण टस से मस नहीं हुए, लोग कार्रवाई चाह रहे थे। इधर बताया जा रहा है दूध वाहन के मालिक ने इसकी शिकायत बेनीपट्टी थाना में की, जिसके बाद बेनीपट्टी थाना के अवर निरीक्षक अभिषेक कुमार पाली पहुंचकर गाड़ी के चाबी रखे इंद्रकांत मिश्रा को थाना की गाड़ी में बैठा लिया। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस उनसे पैसे की डिमांड कर रहे थे। उधर इंद्रकांत मिश्रा को पुलिस गाड़ी में बैठाने की सूचना आम होते ही स्थानीय लोग पुलिस के प्रति भड़क गए और बेनीपट्टी थाना की गाड़ी को पाली दुर्गा मंदिर के निकट रोक कर जमकर पुलिस के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। उधर इस बात की सूचना बेनीपट्टी एसएचओ साहब पुलिस इंस्पेक्टर गौतम कुमार को मिली तो वे दलबल के साथ पाली पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता कर आश्वासन दिए कि मामले में उचित कार्रवाई होगी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ और बेनीपट्टी थाना की पुलिस पाली से लौट गई। देखिए दुर्घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। लोगों का क्या कहना था, पुलिस पीड़ित को मदद के बजाय उल्टे ग्रामीणों को ही धमका रहे थे। आइए सुनते हैं ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है। कल ये लड़का कहीं से काम करके आ रहा था, दूध बेच के या कुछ करके, बैंगरा के आसपास इसका मर्डर, दूध वाला गाड़ी जो है कहाँ बैंगरा के आसपास में कहीं इस गाड़ी से उस लड़का का मर्डर हो गया। वहाँ के लोगों से छानबीन करने के बाद उसका वहाँ हो गया, उसका वहाँ का लोग कुछ एक दो को ले गया उसको दरभंगा उठा के हॉस्पिटल, बेनीपट्टी ले गया, वहाँ से दरभंगा ले गया। दरभंगा में आज वो बच्चा एक्सपायर कर गया। वहाँ से लोगों को पता चला, वहाँ के कुछ लोग आए पाली और बोले जो मतलब जो उस लड़का का फला दूध वाला गाड़ी एक्सीडेंट किया है। वह दूध वाला गाड़ी आज पाली गाँव में जा रहा था दूध लेने के लिए, दूध लेके जाने के लिए कुछ लोगों ने देखा इसी नंबर का गाड़ी जा रहा है, दो चार लड़का हमारे यहाँ का पकड़ा और एक आदमी, पूरे गांव के लोग जब जमा हो गए, पूरे हमारे समाज का जो लोग दुर्गा मंदिर के पास पाली उत्तरबारी टोला में, तो उसके बाद वो चाबी उस गाड़ी का ड्राइवर तो भाग गया, उस चाबी उस गाड़ी से लेकर के जो ड्राइवर मर्डर किए हुआ था गाड़ी, वो चाबी लेके समाज का लोग गाड़ी उसका चाबी छीना और एक आदमी को गणमान्य व्यक्ति को यहाँ दे दिया, बाबा ये चाबी आप रखिए, अब इंसान इंसाफ होगा उसके बाद आप लोग पंचायती की जगह उसके बाद गाड़ी जाएगी। और आप लोग क्या मांग चाहते हैं अभी? हम लोगों को उस मर्डर का इंसानियत चाहिए और पुलिस जो चोरी करता है उसको 10,000-20,000 रुपया लेके गाड़ी चुरा रहा है और निर्दोष आदमी के पूरे समाज का लोग जिसको ये चाबी दे दिया है उसको पकड़ के पुलिस कहता है 50,000 रुपया दो दो चुरा के। क्यों रोके रखे पुलिस को प्रशासन? इसीलिए एक आदमी को, शरीफ आदमी को चाबी जो रखे हुआ था समाज का लोग जो चाबी दिया हुआ था इस गाड़ी का, उसको कहता था पुलिस वाला ये अभिषेक कुमार कौन है दरोगा, जो 50,000 रुपया दो तो तुमको छोड़ देते हैं, नहीं तो तुम रंगदारी करता है, ये गाड़ी मर्डर नहीं। कौन सा थाना है ये? कौन सा थाना? बेनीपट्टी थाना है। ये लड़का का क्या नाम है? गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था ये पाली का है, वो लड़का लाश आ रहा है, हम लोग लाश यहाँ रख पाते हैं अभी। सर मामला ये हम सब घर पर छे, ठीक है, हमारा सबके पता लगल हमारे चाचा के बैसा लड़के गाड़ी में, सुबह में पता लगल हमारा गाँव के एगो लड़का के एक्सीडेंट हो गए जो मर गए, ठीक है, लग गए दरभंगा मर गए, तो ओकर सबके कह के मतलब गाँव में एक्सीडेंट कल के, ठीक है, यही गाड़ी से एक्सीडेंट भेल, गौवा ओकर चाबी छीन लेलक, बुझलिए गौवा चाबी छीन लेलक, तक एक केव लिख कर दिल्ली फलना आदमी चाबी छीन लिया, ये आदमी के बैसा लेलक गाड़ी में, साथ में एक दू सौ आदमी के मूवमेंट जमा भेले, तो हम सब आप लोग इसको काहे बैठाए गाड़ी में, तो कहते हम नहीं बैठाए, तो हम सब बताए स्पॉट पर पहुंचल, तो लोग कहल के कि ये सब मांगे छे 50,000 रुपया, 50,000 रुपया तो प्रशासन अमित कुमार नाम से था, जो हम तब छोड़ेंगे तुमको, तुम चाबी छीना था रंगदारी करता है, अजय के गवाही 100 पब्लिक से सर तक, बुझलिए से एना एना बात है, तुमको 50,000 लगबे करेगा तब छोड़ेंगे, तुम लोग रंगबाज हो गया है, बस खाली रंगदारी, असर प्रशासन ने रंगदारी करता है कि पब्लिक करता है, आप लोग जानबे करते हैं कि कौन रंगदारी कर रहा है, मतलब प्रशासन का नंगा नाच है। बीते दिन सर देखबे कि आपकी बसैठा में क्या हाल हुआ है, जो करेजा तोड़ के एक गाय चराने वाला को मारा है, मतलब वही ये लोग सोचता है कि जहाँ जो मर्जी होगा वो करेंगे, और हम लोग का मतलब फालतू का वीडियो दरोगा जो है अमित कुमार बना लिया है, कहता है सब पर FIR करेंगे, कहता है सब पर FIR करेंगे, वीडियो बना के रखे हुए तुम लोगों का। हम सुबह में
साइड में हमारा अही टोला में घर है, हम सुबह में साइड में आयल छू बुझलिए न आदमी के कहा के भेंट कर के चला तक बाद पता लगल जो एना एना एगो घटना रात भ गए तेमें मान लिया वो आदमी एक्सपायर कर गए तो हम वही चल अलिए घर लग जिज्ञासा कर अठम 500-400 आदमी महिला मर्द सब छे आय के बाद मान लिया एगो दूध वाला गाड़ी गए लोग मान लिया गाड़ी है दूधे वाला गाड़ी से एक रोकलक लोग गाँव वाला रोकलक गाँव वाला रोकल के बाद बढ़िया बर्ताव से कहलक भाई चाबी दे दिए अह ल लिये हम सब एफ आई आर करे थाना वाला एक सुरक्षा से जाँच करते तक बाद अं चल जाए थाना वाला अं सुरक्षा देत तक बाद चल जाए अं चले को तरह के हमारा बिहेव नहीं है से सारे जनता कहलक बात तक बाद थाना वाला गाड़ी वाला जाकर थाना में हमारा नाम पर एफ आई आर थाना वाला गया हमारा 30,000 रुपया मांगे चला नहीं दिलिए रुपया तो गाड़ी पर बैठा का थाना लगे चला तहन जनता अठम रोकलक जनता तक बाद उतारलक अठम अहे उतरवाई चलके रामदेवेश यादव के लड़का है एक्सीडेंट भेल बैंगरा में जी कल सांझ के घटना है। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। क्या आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है? क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है? क्या मलत्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइया सी चुभती है और दर्द असहनीय हो गया है, यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है? पैखाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे डॉक्टर हृदय कुमार, BAMS, न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, सहरघाट, मधुबनी।